हाय फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपको बीटा 7 के स्पीकर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बीटा 7 का स्पीकर है, ये फ्लैट मैग्नेट में है। उससे पहले आपको मैंने दिखाया था वो न्यूडियम का दिखाया था, ये फ्लैट मैग्नेट है और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका 15x b 700 बीटा 7 ऑडियो। ये बीटा 7 का प्लेट मैग्नेट में है और आप देख सकते हैं इसकी बॉक्स की पैकिंग भी बढ़िया तरीके से पैक हुआ हुआ है। आप चारों तरफ से देख सकते हैं और ख़ास तौर पे इस लोगो का ज़रूर ध्यान रखें आप। ये बीटा 7 का लोगो है, ये ओरिजिनलिटी की पहचान है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसकी जो बॉक्स की जो पैकिंग है और बनावट है वो बहुत प्यारी है। अब इसको हम अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे आप। अब मैं आपको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, चलते हैं देखते हैं। इसे चारों तरफ से टैपिंग करी हुई है, आप देख सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, चलिए इसे भी खोलते हैं। आप देख सकते हैं ये बीटा सेवन का 15x 700 ये मॉडल है बीटा 7 का। इस पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है। अब आपको मैं इसे बाहर निकाल के दिखाता हूँ। अभी ये मैंने आपको ये बाहर निकाल के बॉक्स से बाहर निकाल दिया है। अब आप देख सकते हैं एक इसके ऊपर ये कवर लगा हुआ है ताकि मैग्नेट को ये हीट ना होने दे। और जो इसकी मैग्नेट है 220 मैग्नेट है और 25 इसकी हाइट है। अंदर से आपको ये एलंकी से टाइट हुआ हुआ है इसका, आप देख सकते हैं ये एलंकी लगाई हुई है। अब इसकी बात करें बास्केट की, तो आप देख सकते हैं इसकी जो बास्केट है मेटल में है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीटा 7 का अपना मॉडल है और अपनी इसकी बास्केट की डिजाइनिंग है। हर बार मैं आपको समझाता हूँ कि जो ट्रैक का ज़रूर ध्यान रखें, ये टैग जो है बीटा 7 का ओरिजिनल टैग है, हर स्पीकर पे आपको ये मिलेगा। और जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जो इसका स्पाइडर है, आप स्पाइडर देख सकते हैं, ये प्योर कॉटन का स्पाइडर है और मलेशियन का ब्रांड है। लीड आप देख सकते हैं इसकी, इंपोर्टेड लीड है इसकी प्योर कॉपर की। अब बात करते हैं इसके कोन की, आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी फिनिशिंग है इसकी। और ये होल दे रखे हैं पेज टाइट करने के लिए। अब बात करते हैं इस कोन की, ये कोन जो है मलेशियन कोन है, डबल डोरा इसको बोलते हैं, डबल डोरा इस कोन को डबल डोरा मॉडल बोलते हैं। और इसकी जो क्वालिटी आती है ये मिड बेस की पर्पस से बहुत बढ़िया है ये कोन। और दूसरी बात इसकी डस्ट कैप देखेंगे आप, 5 इंच की इसके डस्ट कैप है और ये भी अच्छी तरीके से सील्ड हुआ हुई है। और इसकी जो ये रबड़ है आप देख सकते हैं ये भी अच्छी तरीके से सील्ड है। अब मैं इसको जो इसके अंदर कॉइल लगी हुई है वो आपको दिखा रहा हूँ। अब जो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसकी वॉइस कॉइल दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ये इसकी वॉइस कॉइल है, आप देख सकते हैं इनपुटेड वॉइस कॉइल है। और एक अंदर से है और एक बाहर से है, ये अंदर की होगी सर,
और ये बाहर की होगी। ये देखिए आप, ये इनपुटेड कॉइल है, टिल में है, ये 8 ओम्स की ये कॉइल है और 600 वाट इसका डैम्पिंग इफेक्ट है। ये कॉइल इसके अंदर लगी हुई है, मिड और बेस का ये काम करती है, ये कॉइल भी और ये स्पीकर भी। अब बात करते हैं हम इसके मेड की, मलेशियन मेड है और क्वालिटी की तो बात करें तो मैं आपको इसको टेस्ट करा के दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं टेस्ट करके, चलिए आपको मैं टेस्ट करा के दिखाता हूँ। ये हमारी एम की माइक, एम की वायर है, अब मैं आपको टेस्टिंग कराता हूँ। अब आप देखेंगे, मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ सॉन्ग प्ले। टेस्ट करा दिया है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी बेस आ रही है, कितनी अच्छी इसमें मिड आ रही है। और एक अच्छी बात और है इसके अंदर, आपको मैं बता देता हूँ, ये हॉल पास दे रखा है इसकी एयर निकालने के लिए। जो आपकी कॉइल चलेगी हीट होती है और हीट न होने के बाद उसकी एयर निकालने के लिए, किसी बहुत से स्पीकरों में स्पेस नहीं होता लेकिन इसके बीटा 7 में स्पेस है, ताकि आपकी कॉइल हीट ना हो और ज़्यादा फूके ना। और एक बात और आपको बता दूं, इसका जो ये फ्रेम है आप देख सकते हैं कितने डिजाइनिंग से ये फ्रेम, डिजाइन से ये फ्रेम है। और अभी तक मैंने फ्लैट मैग्नेट में जो भी स्पीकर यूज़ करा है, अभी तक इतनी बढ़िया मिड नहीं सुनी मैंने और इतनी क्लियरिटी की आवाज़ अभी तक मैंने नहीं सुनी। अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।